आज सिवान के महावेदेवा रोड में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पर पुलवामा में हुए शहीद अमरजीत सिंह की शहादत को लेकर शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जदयू कार्यकर्ता विधायक सहित कई लोग मौजूद रहे। तीन दिन पहले कश्मीर पुलवामा में सिवान के लाल अमरजीत सिंह जी का उग्रवादियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट करके आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें शहीद हो गए। और कल ही हमारे सिवान रघुनाथपुर प्रखंड के दिगवलिया ग्राम में उनके पैतृक गांव में उनका शरीर आया, जिससे पूरे सिवान जिला की पूरी जनता इससे मर्माहत है। और हम जनता दल यू परिवार, NDA परिवार की तरफ से शहीद अमरजीत सिंह के चरणों में नमन करता हूँ। और उनकी शहादत जो कुर्बानी दी है उन्होंने, वो कहीं खाली नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान के टेररिस्टों के द्वारा मंसूबा रखा गया है और उसके तहत हमारे देश के जवानों को मारा जा रहा है, इससे पूरा देश मर्माहत है। हम सिवान के NDA परिवार भी मर्माहत है। और ऐसी घटना को देखते हुए हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि सिवान में पूरी मातम छाई हुई है, और उसको देखते हुए माननीय सांसद महोदय के द्वारा जो कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था 23 जून को, उसको हम लोग रद्द करते हैं कि ऐसे दुख के घड़ी में कोई अभिनंदन नहीं होगा। और उनके दुख के साथ हम सब उनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख में हैं कि हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं होगी। पूरे जिला में जब मातम है तो सब मेरा परिवार, पूरा सिवान जिला के परिवार जो है, हम सब उनके दुख के साथ जुड़े हैं। और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को ईश्वर बल दें इस दुख के घड़ी में, इस दुख को सहने के उन्हें बल दें, शक्ति प्रदान करें, इस दुख को सह सकें। और उनके इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार उनके साथ हैं। आज हम लोग इस सिवान के लाल और देश के रक्षा करने वाले सपूत शहीद अमरजीत सिंह का पुलवामा में शहादत हो गया है। हमारे सिवान जिला पूरे देश के साथ मर्माहत है। हम जनता दल यूनाइटेड परिवार पूरा मर्माहत है, दुखी हैं। हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम शोक मना रहे हैं। हमारे बिहार के खाद्य आयोग के अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद सलाम साहब का आकस्मिक मौत हो गया है। हम उनका भी प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनके आकस्मिक मृत्यु पर भी हम शोक व्यक्त कर रहे हैं।
हमारी पार्टी इसीलिए आज एक शोक सभा का आयोजन किया है।